हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरबाज और आप देख रहे हैं एके टेक एंड ट्रिक्स। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंटेक्स की तरफ से आने वाला इलियाई डुअल, जो कि एक डुअल सेल्फी कैमरा फोन है। तो गाइज, अगर आप टीवी देखना पसंद करते होंगे तो उसमें आपको ये फोन का एड काफी ज्यादा चैनल्स पे देखने को मिलता है, क्योंकि इस कंपनी ने इस फोन का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कोई भी चैनल को छोड़ा नहीं है। यहाँ तक कि न्यूज चैनल, बाकी डिफरेंट मूवीज, क्रिकेट चैनल, ये सब पे आपको इस फोन का ऐड देखने को मिल जाता है। तो गाइज, मैं भी इस फोन का ऐड देख देख के उत्सुक हुआ और मैंने भी ये फोन की स्पेसिफिकेशन चेक करने का एक बार सोचा। जब मैंने स्पेसिफिकेशन चेक किया तो मुझे इस फोन में तो कुछ खास लगा नहीं, पर फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसमें क्या आपको मिलता है। तो गाइज, अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 5 इंच का HD IPS डिस्प्ले मिलता है, जो कि नॉर्मल सा डिस्प्ले है। काफ़ी इसमें आपको कुछ अच्छा फीचर नहीं मिलता है। तो गाइज, अगर मैं आपको इस फोन के मेन फीचर के बारे में बताऊं तो इसमें आपको सामने की तरफ 2 कैमरा देखने को मिल जाते हैं। तो अगर मैं कैमरे की बात करूं तो आपको इसमें सामने की तरफ 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और साथ ही साथ उसके साथ आपको 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। ये कैमरा ऑटो फोकस सपोर्ट करता है, जिससे कि आपको रियल बोके इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो गाइज, अगर हम इसके रियर कैमरे की बात करें तो इसमें हमें रियर में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो कि प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी कम है। और जैसे कि हमें अदर कंपटीटर्स 13 मेगापिक्सल का कैमरा देते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आपको पता चल ही गया होगा कि ये फ़ोन एक सेल्फी सेंट्रिक फ़ोन है और इसमें आपको फेस को आपको निखारने के लिए काफ़ी ज़्यादा फीचर मिलते हैं, जिसकी मदद से आप अपनी फ़ोटोज़ को काफ़ी ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो अगर हम इस फ़ोन के रैम और स्टोरेज ऑप्शन की बात करें तो ये फ़ोन एक ही रैम वेरिएंट और एक ही स्टोरेज ऑप्शन में आता है, जो कि 2 GB रैम और 16 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में ये फ़ोन आता है। तो गाइज, अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो मैंने इसके प्रोसेसर का पता करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट सर्च कर ली, फिर उसके बाद जाकर मुझे एक वेबसाइट पर मिला तो मुझे पता चला कि इसके अंदर हमें स्पीड ट्रम का प्रोसेसर मिलता है, जो कि SC9850 करके है। तो गाइज, अभी तक जो सब मैंने आपको बताया वो सब तो आपको हो सकता है कि एक नॉर्मल चीज़ें लग रही होंगी। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इसमें आपको सिर्फ 3 सेंसर मिलते हैं। एक है ग्रेविटी सेंसर, दूसरा है प्रॉक्सिमिटी और तीसरा है लाइट सेंसर। इसमें आपको कोई भी जायरोस्कोप सेंसर या और डिफरेंट सेंसर देखने को नहीं मिलते हैं। तो गाइज, जैसे कि आपने अभी मैंने आपको बताया कि ये सब फ़ोन सिर्फ ऐड के द्वारा इतने पॉपुलर कर दिए जाते हैं, जो कि चलते हैं। आपने जैसे टीवी में ऐड देखा होगा, मेरा तो इस कंपनी का ऐड देख देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो बना के इस फ़ोन की पोल खोल के बताऊं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं मिलता है। तो गाइज, अगर हम आपको इसके बैटरी के बारे में बताएं तो इसमें आपको 2400 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि एक दिन भी ढंग से चल पाएगी। और साथ ही साथ इसमें आपको एंड्रॉयड 7 मिलता है, जबकि एंड्रॉयड 8 मार्केट में आ चुका है। तो गाइज, अगर मैं इस फ़ोन की एक प्रोस की बात करूँ तो इस फ़ोन में आपको सिर्फ एक ही प्रोस मिलती है, जो कि इसका है डुअल फ्रंट कैमरा। अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो बहुत सारे, अगर मैं आपको बताने बैठ गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जैसे कि मैंने आप सबको सारे फीचर्स बताए, मेरे हिसाब से तो सभी कॉन्स है, क्योंकि मुझे ये भी नहीं लगता कि वो जो डुअल फ्रंट कैमरा है वो अच्छे से डेप्थ सेंसिंग कर पाएगा, क्योंकि 2 मेगापिक्सल कैमरा मुझे तो नहीं लगता कि इतनी अच्छी आपको इमेज दे पाएगा, क्योंकि डेप्थ सेंसिंग बराबर नहीं कर पाएगा। बुके इफेक्ट तो अच्छा आएगा नहीं, तो आपकी फ़ोटो में जब बुके इफेक्ट अच्छा नहीं आएगा तो आपकी फ़ोटो कैसे अच्छी लग सकती। तो फाइनली मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप बुके इफेक्ट वाली फ़ोटोज़ खींचना चाहते हैं फ्रंट कैमरे से, तो आप इस फ़ोन की तरफ बिल्कुल ना देखें। सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग इस फ़ोन की अच्छी की जा रही है, बाकी इस फ़ोन में कोई खास फीचर है नहीं। तो अगर आप एक स्मार्ट बायर हैं तो आप ये फ़ोन को डेफिनेटली परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि इस फ़ोन के फ्रंट कैमरे के हाइप तो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, पर अगर आप एक स्मार्ट बायर हैं तो ये फ़ोन को आप परचेज़ नहीं करेंगे। इससे बेटर आप इनफोकस का विजन 3 परचेज़ कर सकते हैं, जो कि 6999 में आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स देता है।